बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। ये तो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए अचार, चटनी, पापड़ बहुत ज़रूरी है, तो अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, हाजमा भी अच्छा रहता है। तो हमने सोचा कि आज आपको चटनी बनाने का सिखाएं। तो हमने यहाँ पर नारियल की चटनी और एक जो है नारियल और तिल की चटनी का सोचा है बनाने का। अब जो है यहाँ पर हमने जो सेंगदाने की चटनी है, सॉरी दूसरी वाली चटनी जो है सेंगदाने की रहेगी, सेंगदाना और तिल की रहेगी। और अभी यहाँ पर हम जो बना रहे हैं पहली चटनी जो है आपको दिखा रहे हैं वो है सूखे नारियल की, यानी कि खोपरे की चटनी। तो इसके लिए हमने लिया है एक आधा नारियल है या खोपरा है, सूखा खोपरा है, उसको जो है पीसेस में काट लिया है। उसके बाद में है ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, ये हम 4-5 चम्मच डालेंगे। फिर लहसुन, एक पूरा साबुत लहसुन है, इसको हमने छील के रख लिया है। और ये जो है कश्मीरी मिर्च का, लाल मिर्च का पाउडर है, अगर आप चाहें तो सूखी कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और अगर आपको तीखा चाहिए तो आप जो है थोड़ा सा जो बेड़गी मिर्ची होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या तीखी वाली मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमको हसबे ज़ायका नमक की ज़रूरत होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा ऑयल गर्म करके पैन में, और ये ज़ीरा जो है, ज़ीरा और नारियल और लहसुन, इसको हल्का सा हम भून लेंगे। हमने इसमें पैन में थोड़ा सा तेल डाला हुआ है और इसी में हम 4 चम्मच जो है ज़ीरा डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना है, बस इतना ही भूनना है कि वो गर्म हो जाए। अब ये हम नारियल डाल रहे हैं इसमें, सूखा नारियल या सूखा खोपरा, इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। और इसके अलावा है लहसुन, लहसुन की कलियाँ, ये भी डाल देंगे। चटनी बहुत अच्छी बनती है। और आप जो है साइड में खाने में जो है आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आप रोटी के साथ में भी इसे खा सकते हो, खिचड़ी के साथ में खा सकते हो। बना के रखी रहेगी तो ये महीना भर टिकती है, महीना भर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, टिफ़िन में दे सकते हो, या सफ़र में आपको जाना है तो सफ़र में भी ये ले जाई जा सकती है। बस इतना ही भूनेंगे और भून के बंद कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में ये सब डाल के और इसका जो है इसको पीस लेंगे। अभी हम इसको भूनते हैं और इसको फिर मिक्सी के जार में थोड़ा ठंडा करके फिर मिक्सी के जार में डालते हैं और फिर बताते हैं। हाँ, तो नाज़रीन अभी ये जो हमने कोपरा और ज़ीरा लहसुन जो है इसको हल्का सा, बहुत हल्का, मतलब उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, इतना भून लिया और मिक्सर के जार में डाल दिया है। अब इसमें हम मिर्ची, आपको जितनी पसंद है तीखा खाना है ज़्यादा डालें, वैसे भी कलर वाली मिर्च है, इसमें तीखापन नहीं होता है, तो ये हम डाल रहे हैं इसमें 3 से 4 चम्मच डाल देंगे ताकि उसका कलर भी अच्छा है और अच्छी लगे। और नमक जो है हम हसबे ज़ायका डाल रहे हैं। अभी नमक डाल के हम इसको मिक्सर में ये पीस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, हमने अभी चटनी पीस ली है और इसको थोड़ा दरदरा ही रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं बनाना है इसको, और ऐसे ही रखना है। और इसे आप बर्नी में भर के रखें या आप डब्बे में डाल के रखें, और फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। फ्रिज के बाहर ये आपकी 1 महीने तक रहेगी, और अगर फ्रिज में रखोगे तो आप और ज़्यादा भी इसकी लाइफ हो सकती है। और ये रोटी के साथ में आप सर्व कर सकते हो, खाने के साथ दाल चावल बनाए हैं तो उसके साथ में भी आप सर्व कर सकते हो। और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी चटनी दिख रही है, जैसे बाज़ार में मिलती है वैसे रेडीमेड चटनी, वैसी ही दिख रही है, और जायके में बहुत अच्छी है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और अब हम जो है आपको इसके बाद में दूसरी जो रेसिपी दे रहे हैं वो भी दूसरी चटनी की है, वो है मूँगफली यानी सेंगदाने की चटनी, सेंगदाना और तिल की चटनी। तो ये हमारी खोपरा लहसुन की चटनी या नारियल और लहसुन की चटनी तैयार है। अभी आपको हम दूसरी रेसिपी दिखाते हैं। हाँ, तो नाज़रीन जैसे हमने कहा है आपसे कि अभी हम और एक चटनी आपको दिखा रहे हैं, तो ये है मूंगफली की चटनी। मूंगफली को जो है हमने हल्का सा भून लिया है, इसके छिलके पूरी तरह से नहीं निकाले हैं, थोड़े जो है छिलके बाकी हैं, थोड़े से निकाले हैं, यानी 25% हमने निकाले और बाकी 75% वैसे ही है। और ये तिल है, सफ़ेद तिल है, इसको भी हमने हल्का सा भूना है, इसका भी कलर हमने चेंज नहीं किया है। और लहसुन है, लहसुन को ऐसे ही लिया है हमने, कच्चा लहसुन है ये। और उसके अलावा है हमारे पास कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और हसबे ज़ायका नमक। अब इसको भी हम क्या करते हैं, मिक्सर में डाल लेते हैं और पीस लेते हैं और पीस के आपको दिखाते हैं। हाँ, तो नाज़रीन अभी हमने ये तिल और जो मूंगफली है उसको मिक्सर जार में डाल दिया है, और इसमें हमने जो पहली चटनी पीसी वही जार हमने लिया है। और अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च के 5 चम्मच डालेंगे। आप चाहो तो तीखी मिर्चें भी डाल सकते हो,
या अगर आपके पास ये मिर्ची पाउडर नहीं है तो आप खड़ी अच्छी मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन बनाइए ज़रूर जैसे आपके पास जो भी मौजूद है उससे बनाइएगा ये चटनी। अब नमक हसबे ज़ायका हम डाल रहे हैं इसमें। अब इसको दरदरा पीस लेते हैं। ये चटनी भी हमने पीस ली है और इसको भी दरदरा से ही पीसा है, और अब इसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं। बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ी दरदरी ही पीसो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। पूरा निकाल दें फिर दोनों चटनियाँ आपको दिखाते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, ये दोनों चटनियाँ जो है तैयार है, तिल की चटनी, तिल सेंग की चटनी और खोपरे लहसुन की चटनी। ये चटनी आप ज़रूर बनाइए घर में, क्योंकि ये जो है हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, हाजमे के लिए अच्छी है, जायके के लिए अच्छी है। अगर कोई बीमारी से उठा है मरीज़ और उसका मुंह ख़राब हो गया है तो ये मुंह का जायका चेंज करने के लिए बहुत अच्छी है। और तिल जो है वो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी, दिमाग के लिए। और ऐसे तो हम तिल खाते नहीं हैं और बच्चों को भी ऐसे तिल देते नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरह से चटनी बना के रखेंगे तो बच्चे जो है आप उसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हो, पाव के साथ में खिला सकते हो। आप जो है भजी वगैरह बनाएंगे, पाव में रखेंगे, चटनी रखेंगे और देंगे तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें कश्मीरी मिर्च है इसलिए ज़्यादा तीखी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिएगा और कमेंट्स अपने ज़रूर मुझे दीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। और अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिए। मेरा चैनल देखने के लिए, मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।